देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम आपके लिए छठा पार्ट कराने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न का छठा पार्ट है, और जो कि दूसरा प्रश्न हमारा यहां पर चल रहा है उसका छठा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छठा पार्ट क्या है यहां पर बताते हैं आपके लिए। ए का मान दिया गया है 2 और डी का मान दिया गया है 8 और एस एन दिया गया है 90 और आपसे पूछा गया एन और ए एन बताइए। ठीक है, 2 वैल्यू आपसे पूछी गई। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एस एन बराबर 90 दिया गया है, इसका मतलब हुआ एन पदों का योग दिया गया है, एन पदों का योग 90। अब एन तो मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, एस एन का मान फार्मूला रखेंगे एन बटे 2 टू ए, 2 into a, a का मान कितना है 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है हमारे पास 8 बराबर में 90। ठीक है, इस हिसाब से यहां पर हम एन का मान निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे भाई एन बटे 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस 8 की गुणा एन से कराएंगे तो हो जाएगा 8n, 8 की गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 8 और बराबर में आपके लिए आ गया 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, n बटे 2, 8 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो 8n माइनस का 4 बराबर में 90। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इनकी गुणा करा देंगे अंदर ही अंदर, n बटे 2 गुणे 8n और माइनस n बटे 2 गुणे 4 और बराबर में 90, ये हो गया। 2 से 1 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 1 काट देंगे, 2 चक्के 8, यानी n गुणे 4n माइनस 2n बराबर में 90, ये आ गया। तो यहां पर हो जाएगा ये 4n स्क्वायर माइनस का 2n और बराबर में हो जाएगा आपके लिए 90। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहां पर 4n स्क्वायर माइनस का 2n और 90 को इधर ले आओ, माइनस का 90 बराबर में 0। 2 से इसको काट देंगे, यहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे सब जगह, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2n स्क्वायर माइनस 2 से 2 यहां कैंसिल n आ गया, माइनस का 2 से यहां पर 45 बार में कट जाएगा यानी माइनस का 45 और बराबर में 0। अब यहां पर क्या करना है, श्रीधराचार्य विधि को लगा देना है, क्योंकि यहां पर n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए आपको जो है नंबरों को श्रीधराचार्य विधि से करना पड़ेगा। a का मान 2 है, b का मान -1 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा -45। इस हिसाब से माइनस का b यानी माइनस माइनस 1, प्लस माइनस रूट के अंदर होता है b स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है माइनस का 45 और बटे में 2 इंटू a यानी a का मान है 2। तो माइनस की गुणा माइनस प्लस हो गई, 1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी प्लस, यानी 8 गुणे 45 और बटे में 2 दूनी 4, तो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 8 की गुणा हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा यहाँ पर 4 और 8 चक्कू 32 4 36 360 और बटे में आ गया आपके लिए 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 360 और 1 जोड़ लेंगे 361 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 4, 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 × 1 = 1, 3 में से 1 गया 2, 261, 1 × 1 = 2, यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालेंगे जो कट जाए इससे, तो यहाँ पर हम 9 डाल सकते हैं, देखो 9 × 81 = 1 और 8 हासिल, 9 × 2 = 18 और 8 = 26, तो 261 आ गया, इसका मतलब 19 इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस माइनस 19 बटे में 4, प्लस चिन्ह ले लेंगे तो 1 प्लस 19 बटे 4 हो जाएगा, इस हिसाब से 19 × 1 = 20 बटे 4 हो जाएगा और 4 × 5 = 20, यानी n का मान कितना आ गया 5, n का मान 5 आ गया। अगर n का मान 5 आ गया है तो an भी निकाल लेंगे, तो an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा यानी a 5, पांचवा पद निकाल लेंगे तो हो जाता है a प्लस 4d, यानी a का मान हमारे पास
और प्लस 4 इंटू डी का मान हमारे पास 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 32 और 2 34। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है छठा पार्ट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हमने आपके लिए करा दिया। अब हम आपके लिए यहाँ पर बताएंगे सातवां पार्ट। देखिए यहाँ पर बच्चों, हम आपके लिए यहाँ पर सातवां पार्ट कराते हैं। सातवां पार्ट क्या है देखिए ध्यान से, सातवां पार्ट है यहाँ पर a बराबर 8 दिया गया है और an बराबर 62 दिया गया है यानी 62, और sn बराबर दिया गया है 210। इस बात को हमें निकालना है, n और d, n निकालना है और d निकालना है। तो देखिए यहां पर आपके लिए इन्हीं टर्म से, इन दोनों टर्म से हमें निकालना पड़ेगा। an का मान 62 है यानी nवां पद जो है वो 62 है, एनवा पद, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62। अब ए का मान तो 8 दिया गया, तो मैंने रख दिया 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 62। तो इस हिसाब से यहां पर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 62, और ये जो 8 दिया गया वो उधर ले जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा यानी एन माइनस वन इंटू डी बराबर, ये घट जाएगा तो घटेगा, तो 12 में से 8 गया 4 बचा और 5, 54 इसका मान आ गया, n माइनस वन इंटू डी का मान 54 आ गया। इस हिसाब से Sn का मान लगाएंगे, Sn का मान यहां पर है 210, तो ऐसी फार्मूला हो जाता है n बटे 2 इंटू 2 इंटू ए, ए का मान हमारे पास है 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का मान नहीं दिया गया है, बराबर में 210। इसमें n माइनस वन इंटू डी का मान डाल देंगे यानी n बटे 2 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान कितना है यहां पर देखिए 54, तो यहां रख देते हैं 54 और बराबर में 210, तो हो जाएगा n बटे 2 जो जोड़ लेंगे, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 और 5 और 1 6 1 7 70 बराबर में 210। तो इस हिसाब से n बटे 2 गुणे 70 बराबर में 210। अब 2 से काट देंगे यहां पर, 2 3 6, 1 5 2 5 10 35, तो n गुणे 35 बराबर में 210 यानी n बराबर 210 बटे में 35। 5 से काट देंगे इसको, 5 7 35 और 5 चक्कू 20, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 यानी n बराबर हो गया आपके लिए 42 बटे 7, तो 7 छंग 42 हो गया यानी n का मान आ गया आपके लिए 6। n का मान कितना आ गया 6, और d का मान कैसे निकालेंगे, तो n का मान जो है यहां पर रख देंगे, तो हमारे पास लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू डी बराबर में 54, तो n का मान रख दो यहां पर 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 यानी डी बराबर हो जाएगा 54 अपॉन में 6 माइनस 1, तो डी बराबर हो जाएगा 54 और बटे में 6 में से 1 गया 5, ये बचा यानी डी का मान आ गया 54 अपॉन 5। तो इस तरीके से यहां पर हमारा पार्ट हो चुका है, और ये पार्ट था आपके लिए सातवां। देखिए यहां पर बच्चों आठवां पार्ट है, दूसरे का आठवां पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है, लिखा है ए एन इक्वल टू 4, ए एन बराबर 4 दिया गया है, डी का मान 2 दिया गया है, एस एन बराबर माइनस का 14 दिया गया है, एन और ए ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए एन का मान 4 दिया गया है, मैं लिख देता हूं ए एन का मान 4 है, इस हिसाब से ए एन का मतलब एनवा पद, तो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 4। ए डी का मान दिया गया, तो हम रख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान हमारे पास दिया गया 2 बराबर में हो गया 4, ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से यहां पर अब आपके लिए डी ही दिया गया था, केवल डी का मान दिया गया था, ए एन का मान टर्म था, तो हमने लिख लिया यहां पर। अब इस हिसाब से क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो ए है इसका मान निकाल लेंगे, तो ये ए प्लस ये हो जाएगा आपके लिए 2n और माइनस का 2 बराबर में 4, तो हो जाएगा ए प्लस 2n बराबर में 4, और ये 2 उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 और 2 6 यानी a का मान हो जाएगा इस हिसाब से 6 माइनस 2n, a का मान आ गया ये, ठीक है, a का मान आ गया, बिल्कुल सही बात है।
अब हम क्या करेंगे, एस एन बराबर दिया गया -14, तो एस एन बराबर -14 का फॉर्मूला लगा देंगे, एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान हमारे पास 2 है और बराबर में -14, तो हम यहां पर एन बटे दो लिखेंगे। और देखिए यहां पर आपके लिए ए का मान डाल देंगे, तो 2 इंटू ए का मान आ गया हमारे पास 6 माइनस 2 एन, और प्लस यहां 2 एन और माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर में -14, तो एन बटे दो, दो छंग 12, माइनस दो दूनी 4 एन, प्लस का 2 एन माइनस का 2 बराबर में -14, तो एन बटे दो। यहां पर देखिए आप, ये 12 है, ये 2 है, 12 में से 2 चला जाएगा 10 बचेगा, और ये 4 में से 2 चला जाएगा माइनस का 2 एन बचेगा और बराबर में -14, दो अंदर गुणा करा देंगे, एन बटे दो गुणे 10 माइनस एन बटे दो गुणे 2 एन बराबर में -14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 पंजे 10, ये 5 एन आ गया, यानी 5 एन, और ये हमारे पास बचा हुआ है 5 एन हो गया ये तो, और यहां एन की गुणा एन से हो रही है, तो इसका मतलब वो एन स्क्वायर हो गया माइनस का एन स्क्वायर और बराबर में -14, तो यहां पर माइनस से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण में, क्योंकि हमें ये वाला पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस का हो जाएगा 5 एन माइनस माइनस प्लस का एन स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाएगा, और ये जो माइनस का 14 लिखा हुआ है ये हो जाएगा प्लस का 14, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 5 एन, 14 को इधर ले आएगा, माइनस का 14 बराबर में 0। 14 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 5 आ जाए, तो सुनो 7 दूनी 14 और 7 माइनस 2 बराबर 5 आ गया, तो एन स्क्वायर माइनस का 7 माइनस 2 इंटू एन माइनस 14 बराबर 0, तो एन स्क्वायर माइनस का 7 एन माइनस की गुणा माइनस से प्लस 2 एन माइनस का 14 बराबर में 0, तो एन कॉमन ले लेंगे यहां से, एन कॉमन ले लिया बचा एन माइनस 7, प्लस 2 कॉमन ले लिया यहां पर बचा एन माइनस 7 बराबर 0, तो इसका मतलब एन माइनस 7 कॉमन आ गया, तो एन माइनस 7 कॉमन आ गया, यहां पर बचा हमारे पास एन प्लस 2 पहला कॉमन और प्लस दूसरा कॉमन, एन प्लस 2 बराबर 0, तो एन का मान एक तो आएगा 7, एन माइनस 7 को अगर 0 रखेंगे तो एन का मान 7 आएगा, एक आएगा एन का मान माइनस 2, तो ये वाला तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और ये वाला अमान्य हो जाएगा यानी एन बराबर हो गया 7। अगर एन का मान 7 हो गया है तो इसका हिसाब से हम ए का मान भी निकाल सकते हैं, जो कि ए एन बराबर 4 दिया गया था, तो ए एन बराबर 4 दिया गया था, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, तो ए प्लस एन का मान आ गया 7, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर में, और डी का भी मान दिया गया हमारे पास, डी का मान है 2, तो 2 लिख लिया बराबर में 4 हो गया, तो ए प्लस 7 में से 1 किया तो 6 गुणे 2 बराबर में 4, तो ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर में 4, तो इस हिसाब से हो जाएगा ए का मान 4 माइनस 12, तो ए का मान आ गया आपके लिए 12 में से 4 गया माइनस का 8, तो ए का मान भी आ गया, तो ए का मान और एन का मान आ गया है। इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, 7-8वां पार्ट, और अब हम आपके लिए बताएंगे 9वां पार्ट फिर 10वां पार्ट। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके लिए 9वां पार्ट है, दूसरे का 9वां पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ए बराबर 3 और एन बराबर 8 दिया गया, और एस का मान दिया गया 192, ये दिया गया है आपके लिए। डी का मान निकालना है, यहां पर इस प्रश्न में डी का मान निकालना है, तो अगर एस का मान 192 दिया गया, इसका मतलब हुआ 8 पदों का योग दिया गया, यानी एस 8 बराबर लिख सकते हैं 192, क्लियर है, तो एस 8 बराबर 192 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एन एन का मान 8 हो गया, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं, 8 बटे 2 ए प्लस 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन माइनस एन का मान है हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमें मालूम नहीं है, और बराबर में 192, ठीक है, ये हो गया 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया गया 3, तो 8 बटे 2 है, 2 से काट दो इसको, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 2 गुणे ए का मान हमारे पास 3 प्लस 8 में से आ गया 7, 7 डी बराबर में 192, तो 4 और 2 तिया हो जाएगा यहां पर 6 प्लस 7 डी बराबर में 192। अब यहां हो जाएगा आपके लिए 6 प्लस 7 डी बराबर में
192, और ये जो चार लिखा हुआ है इनटू में वो नीचे चला जाएगा। तो 6 + 7D बराबर में 4 × 16 और 3 × 19 = 4 = 32 यानी 48। तो यहाँ पर आ गया 48। इसका मतलब हुआ 6 + 7D बराबर 48 और 7D बराबर हो जाएगा 48 - 6, यानी 7D बराबर 48 में से 6 घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए बच जाएगा 42। तो D बराबर हो जाएगा 42/7, 7 से यहाँ पर भाग कर देंगे तो 7 × 42 हो जाएगा, D का मान आ गया 6। यही मैं निकालता है इस पार्ट में, D का मान 6 आ गया है और यही हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए 10वें पार्ट की। 10वां पार्ट देखो लास्ट पार्ट है दूसरे प्रश्न का, वो भी करा देते हैं। L का मान दिया गया यहाँ पर 28 यानी लास्ट टर्म, Sn का मान दिया गया है 144 और कुल पदों की संख्या 9 है। पदों की संख्या कितनी है? 9 है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 9 है। तो A का मान निकालना है, बात समझ रहे बेटा, A का मान हमें निकालना है। तो L माने अंतिम पद, इसका 28 दिया गया, इसका मतलब नवा ही पद है, नवा पद है इसका, यानी T9 = 28। तो इस हिसाब से लिखेंगे A प्लस, यहां पर A प्लस और अंतिम पद 28 है, तो हम लिखेंगे A प्लस और 8D बराबर में 28। तो इस हिसाब से A का भी मान कुछ नहीं दिया गया है, तो यहां पर A प्लस 8D बराबर 28 हो गया और ये हम मान के चल रहे हैं यहां पर समीकरण नंबर 1। Sn बराबर दिया गया 144, यानी n का मान हमें पता नहीं है, n का मान हमें पता नहीं है लेकिन अंतिम पद 28 दिया गया, n का मान पता नहीं है, वो भी a का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर आपके लिए पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 9 है। ठीक है, Sn बराबर 144 दिया गया, यानी सभी पद संख्याओं का जो है 144 दिया गया, यानी S9 होगा 144, सभी पद पद 9 है यहाँ पर। पदों की संख्या लास्ट टर्म कितना है? 28 है। तो इस हिसाब से पदों का योग दिया गया, यानी 9 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा? 144 होगा। तो इस हिसाब से 9/2 2 × A 2A प्लस n-1 × D यानी 9 - 1 × D बराबर में 144। तो इस हिसाब से 9/2 आ गया, ये आ गया 2a प्लस 9a में से 1 गया 8d और बराबर में हो गया 144। अब 2a प्लस ये लिखा है, a प्लस 8d बराबर 28, इसमें 2 से गुणा करा दो हमें मिल जाएगा 2a प्लस 8d। ठीक है, तो 2 से गुणा करा देंगे यहां पर, तो इस हिसाब से हो जाएगा यहां पर 2a और 2 × 8 = 16 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 गुणा ज्यादा कर जाएगा, यानी इससे हमें a का मान निकालना चाहिए। तो मैं a का मान निकाल रहा हूं समीकरण 1 से, a का मान समीकरण 1 से a का मान, ठीक है, a का मान निकालेंगे। तो a प्लस 8d बराबर में 28 है, तो a बराबर हो जाएगा 28 - 8d, ए का मान हो जाएगा 28 - 8d, और ये जो ए का मान है वो इसमें डाल देंगे हम, तो 9/2 2 × A का मान हो गया 28 - 8d और प्लस 8d और ये 8d हो गया और बराबर में 144। ठीक है, तो 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं क्योंकि 9 का आधा 4.5 हो जाएगा, और ये हम करेंगे यहाँ पर 2 की गुणा, 2 से 28 की करेंगे, 28 × 56 हो जाएगा, 2 की इससे करेंगे, 2 × 8 = 16d हो जाएगा और प्लस का 8d और 8d बराबर में 144। तो इस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4.5 है, अगर मैं यहाँ पर 4.5 ना लिख करके 9/2 ही लिखूँ क्योंकि आसानी होगी गुणा करने में, तो 9/2 गुणे में 56 हो गया माइनस 9/2 गुणे 16d हो गया, और फिर 9/2 की इधर भी करा देंगे 9/2 और ये हमारे पास हो गया 8d और बराबर में 144। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 × 4 एक बचा 16, 2 × 8 = 16, ये हो गया 9 × 28d 28 माइनस 2 से यहाँ काट देंगे 2 × 8 = 16 यानी 9 × 72d और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 × 8 यानी 9 × 36d 36d बराबर में 144। ठीक है, तो यहाँ 9 से गुणा करा देंगे, 9 × 72 का 2 हासिल लगा 7 और 9 × 2 = 18 और 7 × 8 = 15 तो यानी 25 225
और ये 72 डी में से 36 डी चला जाएगा, तो बचेगा माइनस का 36 डी और बराबर में हो गया आपके लिए 144। तो क्या करेंगे यहां पर, माइनस का 36 डी ऐसे ही रखेंगे और बराबर में हो जाएगा 144 और ये 252 उधर चला जाएगा, माइनस का आ जाएगा 252। अब इसकी कैलकुलेशन यहां पर आगे करेंगे। देखें यहां पर बच्चों 36 डी लिखा हुआ है, माइनस का 36 डी आ गया और बराबर में 144 माइनस का 252 ये आ गया। अब 252 में से यहां पर ये घटा देंगे हम 144 को, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 108। यानी माइनस 36 डी बराबर माइनस का 108। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 36 डी बराबर आ जाएगा 108 और डी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 108 बटे में 36 आ गया। अब इसको भाग कर देते हैं 2 से, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चक्के 8, यह आ गया डी बराबर में 54 अपॉन में 18। फिर 2 से काटो, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया। तो D बराबर हो जाएगा 9 से भाग कर दो, 9 3 27, यानी D का मान आ गया 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे यहाँ पर D का मान 3 आ गया। इस तरीके से सभी पार्ट जो दूसरे के 10 पार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो कि हमने सभी आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।